कांग्रेस की तरफ से देर रात प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद अब बीकानेर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिल रही है। बीकानेर लोकसभा सीट से एक ओर रामेश्वर लाल डूडी का गुट तो दूसरी तरफ खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल का गुट अपने प्रत्याशियों के लिए टिकटों की मांग कर रहा है, जिसमें रामेश्वर लाल डूडी के गुट के पक्ष में टिकट जाने के बाद अब गोविंद राम मेघवाल के गुट ने विरोध जताया है। उम्मीदवार को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी भी की है। खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल की पुत्री सरिता चौहान को बीकानेर लोकसभा सीट के लिए मांग की जा रही थी और टिकट नहीं मिलने पर अब विरोध भी शुरू हो चुका है। बीकानेर लोकसभा सीट से जहां भाजपा ने एक काफी दिन पहले भी अपने पलड़े खोलकर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, अब देर रात्रि रात कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी 19 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करते हुए बीकानेर लोकसभा सीट से मदन गोपाल जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है जिनको टिकट दिया है, इस टिकट देने के बाद में बीकानेर जिले में कांग्रेस दो दलों में बटी नजर आ रही है। अब मैं आज खाजूवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है जहां पर खाजूवाड़ा के विधायक गोविंद राम मेघवाल की पुत्री को टिकट देने की मांग की जा रही थी, जिसको टिकट कटने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता है जो आप देख सकते हो कि किस तरह से विरोध कर रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये कार्यकर्ता अपनी टिकट कटने के बाद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीदवार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से क्यों ये विरोध जता रहे हैं, कि इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस दो दड़ों में बटी नजर आ रही है। ये गुटबाजी आज से नहीं बरसों से चलती आ रही है बीकानेर में, इसलिए ही दो बार पहले यहाँ से बीजेपी के ही उम्मीदवार जीत कर आए हैं। हम कार्यकर्ता से बात करते हैं कि किस तरह से ये क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है इनकी। जी आप बताइए कि क्या मांग है आपने, क्यों विरोध कर रहे हो? ये मदन जो गोपाल हैं ये एडिशनल एसपी थे और इन्होंने किसानों पर, निहत्ते किसानों पर, छह किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की, और इसका हम पूर्व जोर से विरोध करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से तो किसानों के साथ खड़ी है, किसानों की बात करती है, और एक तरफ हमारे जो किसानों को, निहत्ते किसानों पर जिसने गोलियां चलाई उसको टिकट देकर हमारे बीच में जो भेज रही है, इसके लिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस टिकट को वापस भेजने का काम करेंगे। आप बताइए कि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, फिर भी आप इस तरह से मैदान में उतरे हैं और टिकट का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से जो सरिता चौहान चार सालों से यहाँ से संघर्ष कर रही है, जो प्रधान है, टिकट उनका था, परंतु ये टिकट बदला गया, ये चाटुकार नेताओं के कहने से ये टिकट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पार्टी इस टिकट को वापस दे के पुनः सरिता चौहान के नाम पर विचार करे। ये देखिए कि कार्यकर्ता बिल्कुल अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और लगातार ये यहाँ से भी खाजूवाड़ा से मांग उठ रही है कि इस टिकट को निरस्त करके दोबारा टिकट दी जाए। खाजूवाड़ा से सुरेंद्र मंडा, एवन टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।